बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान जनरल आसिम मनीर को एक बार फिर मुलाकात की, राह रास्त मीटिंग की, वन टू वन एक मीटिंग की मुलाकात की ऑफर की है, पेशकश की है। और इमरान खान ने कहा है कि हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मामलात को हल करते हैं। और इमरान खान ने कहा कि मैं एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा ये बात करूँगा, और मैं 100 दफ़ा आर्मी चीफ से ये अपील करूँगा, आसिम मनीर से अपील करूँगा, जनरल आसिम मनीर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ बैठें, बातचीत करें, मामलात को हल करें और एक वन टू वन मीटिंग हो जाए, ताकि हमारे दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, हमारे दरमियान जो तहफ़ुज़ात हैं, हमारे दरमियान दिलों के अंदर जो मामलात हैं, उनको हम दूर कर दें, उनको हम दिल से निकाल लें, उनको हम एक दूसरे के सामने रख दें, शेयर कर दें, ताकि हमारे दिल साफ़ हो जाएँ। देखिए, इमरान खान इसमें ये बात करता है। अब आप इस मामले को समझें, ये बड़ा अहम तरीन मामला है, बहुत अहम तरीन मामला है, बहुत ही अहम तरीन। अब आपने इस बात को समझना है, जब इमरान खान मुलाकात की बात करता है, वन टू वन मीटिंग की बात करता है, इमरान खान एक एजेंडे के ऊपर बातचीत की, गुफ्तगू की बात करता है, तो उससे मुराद क्या है? ये इमरान खान ने कहा, इमरान खान की कहता है कि आपने इसको ये नहीं समझना कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मेरे पास अब कोई पावर या ताकत नहीं रही, मैं अब वज़ीर आज़म नहीं रहा, मेरे पास अब लोग नहीं रहे, मेरी पार्टी को तुम लोगों ने तोड़ दिया है, या हुकूमत ने सारा कारकुन टॉप लीडरशिप पकड़ के अंदर कर दी है, जेल में डाल दिया है, हिरासत में ले लिया है, तो इस वजह से आप ये समझें कि मैं अब कमज़ोर पोजीशन के ऊपर हैं, जिसकी वजह से मैं आपसे कुछ तरले कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठें और बातचीत करें। इमरान खान ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, असल जो मकसद है आपसे मुलाकात का, आपसे बातचीत का, वन टू वन मीटिंग का, वो क्या है वो आप समझें। इमरान खान ने कहा कि वो ये है कि मैं आपके साथ बैठ के बातचीत करके जो मुल्की मामलात हैं, मुल्की मसाइल हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, इमरान खान ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान को मल्ले का कौंसलर है या किसी इलाके का नासम है, इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए अपने दौर में, इमरान खान ने अपनी हुकूमत में इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रिफॉर्म्स की, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाला, पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में डाला, इसकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इकदाम किए। कोरोना को आप ले लें, सबसे बड़ी मिसाल, 2 साल पूरी दुनिया के अंदर, ये जो 3-3.5 साल इमरान खान की हुकूमत के थे, उसमें से तो 2 साल आप निकाल दें, क्योंकि उन 2 सालों में पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोरोना रहा। कोरोना के अंदर आप पूरी दुनिया के साथ ना इंटरेक्शन कर सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं, ना ट्रैवल कर सकते हैं, ना बिजनेस डील कर सकते हैं, ना आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना कोई और कारोबार कर सकते हैं। तो इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में, मुश्किल टाइम पे इमरान खान ने पाकिस्तान को यहाँ से निकाला और मईशत भी संभाल के रखी, कौम को भी संभाल के रखा, लोगों को भी बचा के रखा इस बीमारी से, कोरोना से, और इस तरह से प्लान करके, इस तरह से विज़न के साथ इमरान खान ने पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला, इस बीमारी से निकाला। वो दुनिया में किसी और ने इस तरह का काम नहीं किया जो इमरान खान ने किया। दुनिया में पाकिस्तान का नंबर दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर, जहां पर पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त काम किया, और ये इमरान खान ने अपनी हुकूमत में किया। अब इमरान खान ने अपनी हुकूमत में रहते हुए ये तमाम काम किए, ये तमाम इकदाम किए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो सारे काम किए, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इमरान खान ने जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की जो भी साख है, उसको बेहतर तरीके से बहाल किया, फिर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो नेगेटिव इमेज था उसका खात्मा किया, फिर इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब मामला आगे चला गया, अब रीजनल और दुनिया की जो सियासत है उसमें इमरान खान एंटर होता है, और एक बड़े लीडर के तौर पर, बड़े लीडर के तौर पर इमरान खान वहाँ पर मुसलमानों का मुकदमा लड़ता है, इस्लाम का मुकदमा लड़ता है, जहाँ जहाँ जुल्म और बर्बरियत है उनके ख़िलाफ़ इमरान खान आवाज़ उठाता है। ये इमरान खान पर एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर सामने आता है, ये इमरान खान का एक्सपोजर है।
ये इमरान खान का विज़न है, ये इमरान खान का लोगों के साथ इंटरेक्शन पिछले हुकूमत में 3-3.5 साल जो किया। आप ये देखें कि ये शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान, ये भी हुकूमत में आए हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर आज तक पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट किया नहीं किया। इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि अपने ठेके निकाल लें, अपने कमीशनें निकाल लें, अपने प्रोजेक्ट्स निकाल लें, अपने कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें, बस ये काम। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। अब इमरान खान ये समझता है, आपको बताने का मकसद ये है कि इमरान खान का जहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, ये तमाम के तमाम चीज़ें इमरान खान अपने विज़न अप्रोच, इमरान खान जो इंटरनेशनल सियासत की, जो दुनिया की सियासत की समझ पूझ रखता है, वो इमरान खान रखना चाहता है जनरल आसिम मुनीर के सामने। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ के कैलिबर का भी पता है, और वो जो इंटर्नी वज़ीरे ख़ारजा है बिलावल भुट्टो, उसका भी पता है कि ये कितने पानी में है या इनकी हैसियत क्या है, ये कितनी समझ बूझ रखते हैं सिक्योरिटी के मामलात, रीजनल मामलात, इंटरनेशनल मामलात, उनके ऊपर इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़ीरो। ये इस्टेब्लिशमेंट को, जनरल आसिम मुनीर को पता है। अब इमरान खान ये बात करता है कि अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो उसमें हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इशूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो सियासत हो रही है उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है, किस तरह से पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है और किस तरह से पाकिस्तान अपने इमेज को बेहतर कर सकता है और बहाल कर सकता है, ये इमरान खान तमाम की तमाम चीज़ों को, इनपुट को, फीडबैक को और अहम तरीन तजवीज़ों को इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के सामने रखना चाहता है। और जो मुल्क इस टाइम क्राइसिस के अंदर है, मुल्क जो इस टाइम बहरानों के अंदर घिरा हुआ है, इमरान खान ने कहा कि ये तमाम चीज़ों का हल मेरे पास मौजूद है, सलूशन मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ऐसा ऐसा सलूशन मौजूद है कि अगर कोई रेलेवेंट आदमी इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ मेरे साथ मुलाकात करता है तो मैं उसके सामने रखता हूँ, तो पाकिस्तान में हम मामलात बेहतर कर सकते हैं, हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं और इदारों को जो इन लोगों ने तबाह किया है उनको दोबारा से हम अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, ये मुलाकात का मकसद है। इमरान खान जो बार बार मुलाकात का कहता है, उस मुलाकात का मकसद जनरल आसिम मुनीर के साथ ये है। यहाँ पर कुछ और लोग मतलब निकालते हैं कि वो जी इमरान खान लम्बे पै गया है, इमरान खान NRO मांग रहा है, इमरान खान अब बिल्कुल ही रह गया है, इमरान खान अब तरले कर रहा है, इमरान खान अब गोडे गिट्टे पकड़ा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ।